भिलाई के मोटर टाउन क्षेत्र में संचालित रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। सभी छात्राओं को नेहरू नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से एक छात्रा की मौत हो गई है, वहीं 46 छात्राओं की हालत गंभीर बनी है। मामले में CMHO ने बताया कि सभी छात्राओं को उल्टी और दस्त की शिकायतें थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्मृति नगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण छात्रा के बीमार होने की सूचना मिली और एक छात्रा की मौत की भी सूचना मिली है। हालांकि अभी तक मृतक छात्रा के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत परिजनों को नहीं दी गई है। वो भर्ती हैं वहां पे और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत थी। वर्तमान में अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चे जो हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी की कोई भी सीरियस है, गंभीर नहीं है। क्या खाते भर्ती हुए क्या खाए ये पूछा गया हमने वहाँ पे। ये बताया गया कि वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल और भी हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग एक ही जगह में हुआ है। हाईटेक अस्पताल में डिहाइड्रेशन से भर्ती हुए हैं, जाकर देखा तो 37 छात्रा और 2 छात्र, कुल 39 छात्र डिहाइड्रेशन से उपचार हेतु भर्ती है। सर, एक बच्चे की मौत भी हुई क्या? बच्ची की मौत तो यहाँ नहीं हुई है, लेकिन बालोद क्षेत्र में एक बच्ची की मृत्यु होने की सूचना आ रही है।